हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के आज के इस लेक्चर में हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। और आज के इस न्यूमेरिकल में हमें एक बॉम्ब को अंडर ग्रेविटी एक्सप्लोड करेंगे। तो वो जब बॉम्ब अंडर ग्रेविटी एक्सप्लोड होगा तो वो बॉम्ब दो टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। तो फिर आफ्टर एक्सप्लोजन ये दोनों टुकड़े जमीन के ऊपर कहां पे हिट करेंगे, ये सब फाइंड आउट करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है या एक्स एक्सिस भी है, ठीक है, और ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। मैंने t इज इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन से, मतलब फ्रॉम ओरिजिन, एक 3 kg बॉम्ब को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे? 53 डिग्री पे। और कितनी इनिशियल स्पीड देकर? 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू जीरो पे 3 kg बॉम्ब को मैंने ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो ये बॉम्ब कुछ ऐसे जाएगा अंडर ग्रेविटी, बिल्कुल जाएगा जाएगा। तो जब ये बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, एट मैक्सिमम हाइट, तो ये बॉम्ब दो टुकड़ों में टूट जाएगा, ऐसा गिवन है। या मतलब ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट, जब ये बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे होगा फ्रॉम ग्राउंड, ऐसा गिवन है। व्हेन बॉम्ब रीचेज मैक्सिमम हाइट, देन बॉम्ब एक्सप्लोड इंटू टू पीसेज, ठीक है। जब बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बॉम्ब को यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा? यू साइन अल्फा बाय जी, यू कितना? 40 sin 53 4/5 / g 10, तो ये कितना आएगा? 3.2 सेकंड आएगा ये, मतलब एट t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड पे जब बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। और कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगा ये भी पता लगा सकते हैं हम, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g, ठीक है। तो यहां पे देखो u साइन अल्फा कितना जाएगा, 40 चौका 160 भाग में 5 32, तो u साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। तो ये मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉम्ब फ्रॉम ग्राउंड ये कितनी आएगी? 51.2 मीटर, ठीक है। तो देखो अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन है ये, एट t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड जब बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन की तस्वीर है ये, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन जब बॉम्ब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे होगा तो बॉम्ब की वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, और कितनी होगी? u cos अल्फा, केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा ना, तो 40 cos 53 मतलब 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बॉम्ब कितना केजी का है? 3 kg का, ठीक है। तो अब देखो यहां पे बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, क्या गिवन है? एट t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड जब बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोड होता है, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, क्या तस्वीर गिवन है?
ये बॉम्ब है ना दो टुकड़ों में टूट जाता है एक्सप्लोजन के कारण, मैक्सिमम हाइट पे दो टुकड़ों में टूट जाता है, एक तो 1 kg और एक है 2 kg, ठीक है। और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट मैक्सिमम हाइट एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड, बॉम्ब दो टुकड़ों में टूट जाता है यहीं पे, ठीक है। मैंने यहां पे दिखा दिया इसको। और ऐसा क्यों होना है, 1 kg जो टुकड़ा है बॉम्ब का एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो ये पता लगाना है कि आफ्टर एक्सप्लोजन ये दोनों टुकड़े इस जमीन पे कहां पे हिट होंगे, ठीक है। तो अब देखो, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन इन दोनों टुकड़ों के बीच में इंटरनल फोर्स आया होगा, ये 1 kg टुकड़ा, ये 2 kg, ठीक है। तो 2 kg पीस ने 1 kg पीस पे कुछ ऐसे इंटरनल फोर्स लगाया होगा, 1 kg पीस ने 2 kg पीस पे कुछ आगे की तरफ इंटरनल फोर्स लगाया होगा, ये ड्यूरिंग एक्सप्लोजन की बात है, ठीक है। और दोनों टुकड़ों पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आया होगा, mg mg, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ठीक है। तो देखो, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ये जो इंटरनल फोर्स आए हैं ना बिटवीन पीसीज, ये तो क्या है, इंपल्सिव फोर्सेज FF। और ये जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आए हैं ऑन पीसीज 10 न्यूटन 20 न्यूटन, mg ग्रेविटेशनल फोर्स इंपल्सिव फोर्स नहीं होता, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं mg mg 10 न्यूटन 20 न्यूटन, दीज आर नॉट इंपल्सिव फोर्सेज, नॉट इंपल्सिव फोर्सेज, ठीक है। ये इंपल्सिव फोर्सेज नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंपल्सिव फोर्स नहीं होता, ये हमें इंपल्स में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद, इंपल्स में पढ़ेंगे इंपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या होते हैं। तो ये बात तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए याद रख लो, ये जो mg फोर्स आएगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स इन टुकड़ों पे, वो इंपल्सिव फोर्स नहीं होता, नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है। और ये जो इंटरनल फोर्स आएंगे ना बिटवीन पीसीज ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ये क्या होंगे, इंपल्सिव फोर्सेज, ठीक है। ये दोनों इंपल्सिव होंगे। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन इंपल्सिव होते हैं, तो एक तरह से उनकी कोई औकात नहीं है यहां पे। ऐसा मान लो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई औकात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वे नॉन इंपल्सिव फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अब देखो, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, इस सिस्टम पे क्या कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स आया, नहीं आया। ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों टुकड़ों पे, लेकिन वो नॉन इंपल्सिव फोर्स होते हैं, तो उसको हटाई दो, ग्रेविटेशनल फोर्स की ड्यूरिंग एक्सप्लोजन कोई औकात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इंटरनल फोर्सेज हैं ये पेयर्स में हैं, इंपल्सिव हैं लेकिन पेयर्स में हैं, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऐसा समझो ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई औकात नहीं है, ऐसा समझो ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई औकात नहीं है ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, उसको हटाई दो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है। तो अब देखो, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन इस सिस्टम पे, टू पीसीज सिस्टम पे क्या कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स है, नहीं है, केवल इंटरनल फोर्सेज हैं जो कि इंपल्सिव हैं लेकिन वे पेयर्स में हैं, वे कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब है, मैं ड्यूरिंग एक्सप्लोजन मतलब जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूं इस सिस्टम पे, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई औकात नहीं होती, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, ठीक है, उसको हटाई दो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ग्रेविटेशनल फोर्स को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है। तो अब देखो मैं यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। और ऐसा गिवन है जब इस बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड, तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन 1 kg पीस रेस्ट पे आ गया, 2 kg का भी कुछ पता नहीं है उसकी क्या वेलोसिटी होगी। और जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट मैक्सिमम हाइट बॉम्ब की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 24 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर सिस्टम, मतलब जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन जो लीनियर मोमेंटम होगा ना सिस्टम का वो किसके बराबर होगा, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो अब देखो जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन इस बॉम्ब का लीनियर मोमेंटम क्या है, ओरिजेंटल है, कितना 24 या 72 है, ओरिजेंटल राइट की तरफ, ठीक है। और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन एट मैक्सिमम हाइट एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड 1 kg पीस रेस्ट पे आ गया, तो 1 kg पीस का तो लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन 0, तो इसका मतलब 2 kg पीस की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ओरिजेंटली राइट होगी, कुछ भी नोट, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पूरे बॉम्ब का लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, 2 × V0, क्योंकि 1 × 0 तो 0 हो गया, तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन पूरे बॉम्ब का लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, 2 V0 राइट की तरफ। तो यहां से देखो वी नोट कितनी आ गई, 72/2 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की तस्वीर बनाने जा रहा हूं, जब बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे होगा जस्ट एक्सप्लोड हुआ होगा जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो बॉम्ब 2 pieces में टूट गया, बॉम्ब यहां पे मैक्सिमम हाइट पे एक्सप्लोड हुआ है और 2 pieces में टूटा है, 1 kg पीस और 2 kg पीस, तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट मैक्सिमम हाइट 1 kg पीस यहां पे रेस्ट पे होगा एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड पे ही, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, और 2 kg पीस की वेलोसिटी ओरिजेंटली राइट में होगी, कितनी, वी नोट, मतलब 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये कितनी आएगी, ये यू स्क्वेयर साइन 2α/2g, मतलब 2 × में यू कोस अल्फा 40 / 120/5 = 24 इंटू में यू साइन अल्फा, मतलब 40 / 160/5 = 32, ये यू स्क्वेयर साइन 2α हो गया डिवाइडेड बाय 2g, 2g 10, तो ये आ जाएगी रेंज की आधी, ठीक है। अगर मान लो बॉम्ब एक्सप्लोड ना होता, मान लो यहां पे बॉम्ब एक्सप्लोड ना होता तो कुछ यहां पे गिरता, तो इस पूरे की आधी या रेंज की आधा नहीं हो जाएगा, ये यू स्क्वेयर साइन 2α/2g ये हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 76.8 मीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे जब, तो अब देखो यहां पे बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड पे, जब बॉम्ब मैक्सिमम हाइट पे था फ्रॉम ग्राउंड तब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, कितने टाइम पे, 3.2 सेकेंड पे, ऐसा गिवन था जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड पे 1 kg पीस तो रेस्ट पे आ गया और ये हमने पता लगा लिया, 2 kg पीस की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ओरिजेंटली राइट होगी, कितनी, वी नोट, मतलब 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो अब देखो इन दोनों पीसीज को ग्राउंड पे टकराने में सेम टाइम लगेगा, क्योंकि देखो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ये जब दोनों पीस यहां पे हैं, इन दोनों पीसीज के वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, इसीलिए जब ये दोनों पीस ग्राउंड पे टकराएंगे तो दोनों सेम टाइम लेंगे। ठीक है, तो देखो 1 kg पीस तो ऐसे रेस्ट से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलरेट होगा ऐसे, ठीक है बिल्कुल होगा, और 1 kg पीस ग्राउंड को किस टाइम पे टकराएगा, एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड प्लस √2h/g, 3.2 प्लस √2h क्या 1.2 डिवाइड बाय में जी 10। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये भी 3.2 आएगा, मतलब यहां से यहां तक इस 1 kg पीस को ग्राउंड को टकराने में कितना टाइम लगेगा, 3.2 सेकंड ही। और स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा, जब 1 kg पीस यहां पे टकराएगा ग्राउंड पे कितना टाइम होगा, 3.2 प्लस 3.2 मतलब 6.4 सेकंड। ठीक है, और इससे 1 kg पीस की कुछ वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 6.4 सेकेंड, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैसे, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, यू 0 एक्सलरेशन 10, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना 3.2, तो ये कितनी आएगी 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अब देखो 2 kg पीस की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन 36 मीटर पर सेकेंड, तो 2 kg पीस कुछ ऐसे जाएगा, 2 kg पीस की यहां से कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी बनेगी। ठीक है, कुछ यहां पे हिट होगा, और 2 kg पीस को यहां से यहां तक आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कि 1 kg पीस को यहां से यहां तक ग्राउंड को हिट करने में लगा, तो 2 kg पीस को भी यहां से यहां तक ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, 3.2 सेकेंड। तो जब 2 kg पीस ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा तो स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा, 3.2 प्लस 3.2 मतलब 6.4 सेकंड होंगे। ठीक है, और देखो 2 kg पीस की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 6.4 सेकंड, वो क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट तो 32 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है, और ओरिजेंटल कंपोनेंट 36 मीटर पर सेकंड होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी 2 kg पीस की जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 6.4 सेकंड। ठीक है, और देखो 2 kg पीस को यहां से यहां तक ग्राउंड को हिट होने में कितना टाइम लगा है, 3.2 सेकंड, उतना ही 1 kg पीस को यहां से यहां तक ग्राउंड को हिट होने में टाइम लगा है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 36 × 3.2 तो ये आएगी 115.2 मीटर। ठीक है, 36 की 3.2 से जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अब देखो मैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डील करूंगा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बॉम्ब ध्यान रहे यहां पे एक्सप्लोड हुआ था, यहां से यहां तक कंप्लीट बॉम्ब था, एक्सप्लोजन यहां पे हुआ था मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का मोशन डील करूंगा मैं, अब यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी यही होगी, क्योंकि तो यहां से यहां तक तो दोनों पीस इकट्ठे चले हैं ना चिपक कर, क्योंकि एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी
यही होगी 3.2 सेकंड तक, ठीक है। और फिर देखो एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकंड पे, मतलब ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, एट टी इज इक्वल टू 3.2 सेकंड पे ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, अगर मैं देखूं सिस्टम पे क्या क्या फोर्सेस आए, 1 kg पीस ने 2 kg पीस पे इस डायरेक्शन में एफ इंपल्सिव फोर्स लगाया, 2 kg पीस ने 1 kg पीस पे इस डायरेक्शन में एफ इंपल्सिव फोर्स लगाया, और दोनों पे इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्स थे 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ठीक है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करो टी इज इक्वल टू 3.2 सेकंड पे, मतलब ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, देखो सेंटर ऑफ मास पे देखो, या मतलब पूरे सिस्टम पे ये फोर्सेस तो कैंसिल हो गए ना, इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल इंपल्सिव फोर्सेस तो कैंसिल हो गए, वही एमजी फोर्स बचा है। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास के मोशन पर एक्सप्लोजन का कोई फर्क नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब समझो, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता तो बॉम्ब की ट्रेजेक्टरी ये होती और फिर आगे कुछ ऐसी होती, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता, ध्यान रहे, ठीक है, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता तो ट्रेजेक्टरी ये होती, ठीक है। और यहां पे बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, अब प्रेजेंट सूरत हालात में आओ, और बॉम्ब के एक्सप्लोजन का सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन एफ इंटरनल इंपल्सिव फोर्स से एफ इंटरनल इंपल्सिव फोर्स कैंसिल हो गया, अगर सिस्टम की बात करूं तो वही एमजी फोर्स है 30 न्यूटन सेंटर ऑफ मास पे, जो कि यहां पे था 30 न्यूटन। तो इसका मतलब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होगा, या ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये होगी, ये ऐसे पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी सेंटर ऑफ मास की, और आफ्टर एक्सप्लोजन 2 kg बॉम्ब की ट्रेजेक्टरी ये होगी, 2 kg बॉम्ब, मतलब 2 kg पीस, इनफैक्ट बॉम्ब कहना अच्छा नहीं रहेगा, आफ्टर एक्सप्लोजन 2 kg पीस की ट्रेजेक्टरी ये होगी, ठीक है, और 1 kg पीस की ट्रेजेक्ट्री ही होगी आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। और ये देखो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, टू पार्टिकल सिस्टम पे अगर हम आए तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स। तो देखो आफ्टर एक्सप्लोजन 1 kg पीस और 2 kg पीस साइमल्टेनियसली ग्राउंड को हिट होंगे, किस टाइम पे, स्टॉपवॉच के टाइम के अकॉर्डिंग 6.4 सेकंड पे, ठीक है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 6.4 सेकंड इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास एट टी इज इक्वल टू 6.4 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड, ठीक है। देख लो लाइन ज्वाइनिंग पे है, लाइन ज्वाइनिंग टू पीसीज पे सेंटर ऑफ मास है, होना भी चाहिए। और एट टी इज इक्वल टू 6.4 सेकंड पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड है, वो क्या होगी, ऐसे होगी, ऐसे कितनी 40 मीटर पर सेकंड ही होगी, और ये एंगल कितना बनेगा, 53 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो अब देखो 3.2 सेकंड के बाद का टाइम है कोई भी, और 6.4 सेकंड से पहले का कोई भी टाइम ले लो, तो मान लो 1 kg पीस यहां पे पहुंचा होगा, तो 2 kg पीस पक्का इस ओरिजेंटल लाइन पे ही मिलेगा आपको, यहां पे पहुंचा होगा 2 kg पीस, ठीक है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा कुछ, ठीक है।
देख सकते हो लाइन ज्वाइनिंग पे है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहां पे अगर सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, ऐसे है, ये है सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री, और यहां पे एक्सप्लोजन हुआ है बॉम्ब का मैक्सिमम हाइट पे और 3.2 सेकंड पे, और ऐसा गिवन था कि जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन 1 kg पीस रेस्ट पे आ गया यहीं पे एक मोमेंट के लिए एट t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड। फिर वहां यहां पे मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया, ठीक है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। फिर वहां से क्या निकल के आया, 2 kg पीस की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन एट t इज इक्वल टू 3.2 सेकंड यहीं पे कुछ ऐसे 36 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो मैंने यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करके सिस्टम पे जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन 2 kg पीस की वेलोसिटी निकाल ली, और आफ्टर एक्सप्लोजन 2 kg पीस की ट्रेजेक्ट्री ये आएगी, ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन 1 kg पीस की ट्रेजेक्ट्री ये आएगी, 1 kg पीस रेस्ट से एक्सलरेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री की बात करूं अगर मैं, कंप्लीट ये होगी, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, अगर ये 76.8 मीटर है तो ये भी कितना आएगा, 76.8 मीटर। तो जब ये दोनों पीस साइमल्टेनियसली ग्राउंड को हिट करने वाले होंगे एट t इज इक्वल टू 6.4 सेकंड पे, उसी टाइम पे सेंटर ऑफ मास भी ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा यहां पे, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6.4 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड वो ऐसे होगी 40 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल कितना बन रहा होगा, 53 डिग्री। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।